सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ग्राम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप अपने लैपटॉप या फिर अपने पीसी में विंडोज 10, 8 या फिर विंडोज 7 इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन के दौरान जब आप इस पार्टीशन वाले पेज पे आते हैं जहां पे आप अपने एक ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपको विंडोज़ को इंस्टॉल करना है और जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करने जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि आपका नेक्स्ट डिसेबल दिखा रहा है, न्यू डिसेबल दिखा रहा है, उसमें आप कोई पार्टीशन नहीं कर पा रहे हैं, आप वहाँ पे आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से आप वहाँ पे विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। वहीं पे नीचे आपको एक मैसेज दिखता है, विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 2। अगर सेम प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें बंदे आपको बताएंगे कि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपने पूरे हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ेगा, आपका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा, कोई बताएगा बायोस में जाओ, कोई बताएगा कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। मैं आपको इस वीडियो में इतना आसान तरीका बताऊंगा कि अगर आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की ज़्यादा जानकारी नहीं है डीपली, तो भी आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि आपका प्रॉब्लम कहाँ है और इसको कैसे सॉल्व करना है। इसलिए आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम इंतखाब और आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्राम। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान जब आप यहाँ पार्टीशन के पेज पे आते हैं, जैसे कि देखिए मैं अपने लैपटॉप में विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहा हूँ और यहाँ पार्टीशन के पेज पे आने के बाद से यहाँ पे मैं एक पार्टीशन इसमें से एक ड्राइव सेलेक्ट करता हूँ जिसमें मुझे विंडोज़ को इंस्टॉल करना है, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करने जाता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट डिसेबल दिखा रहा है जिसके वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। यहीं पे नीचे एक एरर मैसेज दिया हुआ है, विंडोज़ कांट बी इंस्टॉल्ड ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 2। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसका डिटेल्स यहाँ पे मिलता है। इसमें लिखा हुआ है, Windows cannot be installed to this disk. The selected disk has an MBR partition table. On EFI systems, Windows can only be installed to GPT disk. ये बोल रहा है कि आपने जो अपना कंप्यूटर बूट किया है वो आपने EFI सिस्टम में बूट किया है जो GPT स्टाइल को सपोर्ट करता है, लेकिन आपके कंप्यूटर में जो पहले से पार्टीशन बना हुआ है वो बना हुआ है MBR स्टाइल में और EFI सिस्टम MBR स्टाइल को सपोर्ट नहीं करता है। अब जिनको ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता नहीं है कंप्यूटर का, उनके लिए मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। ये बोल रहा है कि आप जिस भी पेन ड्राइव से, बूटेबल पेन ड्राइव से या फिर डिस्क से यहाँ पे बूट करके विंडोज़ इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लैपटॉप या पीसी में, उसमें और आपके कंप्यूटर में जो पहले से पार्टीशन बना है, ड्राइव बना है सी डी ई, उन दोनों में कुछ टेक्निकल चीज़ों का डिफरेंस है, इसके वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है और आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या क्या डिफरेंस है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको आगे पता चलेगा। अब मैं उनके लिए बता देता हूँ जिनको थोड़ा सा जानकारी है कंप्यूटर का। देखिए, किसी भी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को पार्टीशन करने के लिए दो तरह का पार्टीशन सिस्टम और दो तरह का पार्टीशन स्टाइल होता है। पहला पार्टीशन सिस्टम होता है लीगेसी सिस्टम और दूसरा होता है EFI सिस्टम, और पहला पार्टीशन स्टाइल होता है MBR स्टाइल और दूसरा होता है GPT स्टाइल। लीगेसी सिस्टम MBR स्टाइल को सपोर्ट करता है और EFI सिस्टम GPT स्टाइल को सपोर्ट करता है। ये तो मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क में पार्टीशन करने का स्टाइल और सिस्टम के बारे में। एक और चीज़ होता है, वो होता है फाइल सिस्टम, जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी पेन ड्राइव को या फिर डिस्क को बूटेबल बनाने के टाइम। पेन ड्राइव या फिर डिस्क को भी दो तरह से बूटेबल बनाया जाता है। पहला बनाया जाता है NTFS फाइल सिस्टम में और दूसरे को बनाया जाता है FAT32 फाइल सिस्टम में। ये दोनों फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम भी दो तरीके का होता है, NTFS और FAT32। ठीक है, NTFS यहाँ पे सपोर्ट करता है लीगेसी सिस्टम और MBR स्टाइल को, और FAT32 सपोर्ट करता है EFI सिस्टम और GPT स्टाइल को। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लीगेसी सिस्टम इक्वल टू MBR स्टाइल इक्वल टू NTFS, EFI सिस्टम इक्वल टू GPT स्टाइल इक्वल टू FAT32। तो सारा प्रॉब्लम आपका पेन ड्राइव में है। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप बायोस में जाके भी इसको सही कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से भी सही कर सकते हैं, लेकिन आप जिनको जितना ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की जानकारी नहीं है वो इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये सीधा और सरल रास्ता आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिंपल फंडा यही है कि आपको सबसे पहले अपना पेन ड्राइव चेक करना है, जिससे भी आप बूट कर रहे हैं, या फिर अपना डिस्क चेक करना है कि आपका वो बूटेबल पेन ड्राइव या फिर डिस्क किस फाइल सिस्टम में बूटेबल बना है, NTFS में बना है या फिर FAT32 में बना है।
अब यहाँ पे आपका सवाल ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो बूटेबल पेन ड्राइव या फिर डिस्क है वो किस फाइल सिस्टम में बूटेबल बना है, NTFS में या फिर FAT32 में, क्योंकि ये आप समझ जाएंगे तो फिर आपका सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और इसको समझाने के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे, और वहाँ पे बताता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो FAT32 में बूटेबल बना है या फिर NTFS में बूटेबल बना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मेरे पास ये दो बूटेबल पेन ड्राइव है। एक बूटेबल पेन ड्राइव बना है NTFS फाइल सिस्टम में और ये दूसरा बना है FAT32 में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव या फिर डिस्क है वो किस फाइल सिस्टम में बूटेबल बना है। इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, अपने बूटेबल पेन ड्राइव या फिर डिस्क को अपने लैपटॉप या फिर PC से निकालना है, आपको किसी दूसरे लैपटॉप या PC में उसको लगा देना है। मैं दोनों में से एक अपने बूटेबल पेन ड्राइव को यहाँ अपने लैपटॉप में लगाता हूँ। दूसरे लैपटॉप या PC में लगाने के बाद से आपको उस कंप्यूटर में माई कंप्यूटर या फिर दिस PC को आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपका पेन ड्राइव शो करेगा, इस पर आपको राइट माउस क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा, इस फॉर्मेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। डरना नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं होगा यहाँ से। अब देखिए, जो मैं पहला पेन ड्राइव लगाया हूँ इसका फाइल सिस्टम यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखेंगे तो FAT32 यहाँ पे दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये पेन ड्राइव FAT32 फाइल सिस्टम में बूटेबल बना है। इसको अभी यहाँ पे बंद कर देते हैं, इसको मैं इजेक्ट कर देता हूँ। इजेक्ट करने के बाद से अब मैं इस पेन ड्राइव को इसमें लगाता हूँ और इसको भी लगाने के बाद से सेम ऐसे ही इस पर राइट माउस क्लिक किया, फॉर्मेट पे गया और इसका फाइल सिस्टम देखिए यहाँ पे दिखा रहा है NTFS। दैट मीन्स कि ये पेन ड्राइव NTFS फाइल सिस्टम में बूटेबल बना है। तो अब आपको यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा समझ लेना है। जब भी आप अपने लैपटॉप या PC में विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन के पेज पे जाने पे आपको वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको सिंपल क्या करना है, अपने बूटेबल पेन ड्राइव या अपने डिस्क को निकालना है, दूसरे लैपटॉप या PC में लगाना है। यहाँ पे आ करके फॉर्मेट पे क्लिक करके उसका फाइल सिस्टम आपको चेक करना है। अगर आपके बूटेबल पेन ड्राइव या डिस्क का फाइल सिस्टम जो बूटेबल बना है पहले से वो वहाँ पे अगर NTFS है, तो आपको सिंपल क्या करना है, उस बूटेबल पेन ड्राइव को डिलीट कर देना है, फॉर्मेट कर देना है और उसको फिर से आपको बूटेबल बनाना है। जब आप बूटेबल बनाते हैं कोई भी पेन ड्राइव, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देता है फाइल सिस्टम सेलेक्ट करने का कि आपको NTFS फाइल सिस्टम में बूटेबल बनाना है या फिर FAT32 में बूटेबल बनाना है। तो मान लो आपका जो पहले वाला पेन ड्राइव है वो NTFS फाइल सिस्टम में बूटेबल है, बना हुआ है, तो अब आपको डिलीट करके उसको बनाना है FAT32 में बूटेबल। अगर आपका पहले वाला बूटेबल पेन ड्राइव या डिस्क FAT32 में है तो उसको आपको NTFS में बूटेबल बनाना है डिलीट करके दोबारा से। सिंपल सा यही फंडा है। मैं जो अपने लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल कर रहा था वो कर रहा था मैं इस पेन ड्राइव से, ये बना हुआ है FAT32 में बूटेबल, और ये दूसरा वाला जो बना हुआ है अभी मैं जो यहाँ पे लगाया हूँ ये बना है NTFS में। तो देखिए, अभी मैं इस पेन ड्राइव को लगाया हूँ अपने लैपटॉप में और मैं अब इससे फॉर्मेट करने की कोशिश करता हूँ, विंडोज इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ अपने लैपटॉप में। देखिए, बहुत ही आसानी से होगा क्योंकि मैंने इसका फाइल सिस्टम चेंज कर दिया। आप ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में जाओगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा फंडा मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ इसका फाइल सिस्टम आपको चेंज कर देना है। NTFS में है तो FAT32 में बूटेबल बनाना है, FAT32 में है तो आपको NTFS में बूटेबल बनाना है। सारा चीज़, टेक्निकल जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो डिफरेंस हो रही थी पार्टीशन के पेज पे, वो सब मैच कर जाएगा। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब दूसरा वाला NTFS वाला मैं यहाँ पे अपना बूटेबल पेन ड्राइव लगाया हूँ। अब मैं रिस्टार्ट करता हूँ अपने लैपटॉप को और अब मैं इससे विंडोज इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बहुत ही आसानी से होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं पहले जो विंडोज इंस्टॉल कर रहा था उस पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम था FAT32, जिसके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। अभी मैं दूसरा पेन ड्राइव बूटेबल लगाया हूँ, उसका फाइल सिस्टम है NTFS। अब यहाँ पे देखिए, मेरा नेक्स्ट यहाँ पे इनेबल हो गया है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपल सेलेक्ट करता हूँ अपने उस ड्राइव को, फॉर्मेट करता हूँ यहाँ पे, और फॉर्मेट करने के बाद से सिंपल मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।